एक बार फिर से मैं अनु कपूर हाजिर हूं हिंदी सिनेमा से जुड़े एक कलाकार का अनकहा किस्सा लेकर। वो कलाकार हैं ओमपुरी। उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से डिप्लोमा कोर्स पास करने के बाद आज तक अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट वहां से क्यों नहीं लिया। ईयर 1973 में ओमपुरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स कंप्लीट किया और इस कोर्स को पास करने के बाद वो 500 रुपए महीने के वेतन पर वहीं पढ़ाने भी लग गए। उधर उन्हीं के बैच के नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और वो ओमपुरी को भी दिल्ली छोड़कर फिल्म इंस्टीट्यूट में आने का ऑफर करने लगे। ओमपुरी का झुकाव भी फिल्मों की तरफ था, इसलिए वो भी जाना तो चाहते थे मगर फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, सो मन मारकर दिल्ली में ही बने रहे। अब साहब एनएसडी की नौकरी करते हुए उन्हें कुछ समय के बाद ही लगने लगा कि वो फंस गए हैं। मन तो फिल्मों में जाने का था। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली दूरदर्शन के नाटकों में काम करना शुरू कर दिया और फिर पंजाब सरकार से फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का जुगाड़ करना शुरू कर दिया। अपने कुछ दोस्तों की मदद से उन्हें पंजाब सरकार से स्कॉलरशिप मिल तो गई, अप्रूव हो गई, मगर फंड रिलीज नहीं हुआ। उस जमाने में फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे गिरीश कर्नाड। उन्होंने भी ओमपुरी की मदद करते हुए यह सुविधा दे दी कि वो अपनी सहूलियत से फीस जमा करा दिया करें। जब ओमपुरी फिल्म इंस्टीट्यूट के फाइनल ईयर में थे तब पंजाब सरकार ने उनकी स्कॉलरशिप रिलीज की, फंड रिलीज कर दिए। स्कॉलरशिप रिलीज की खबर मिलते ही फिल्म इंस्टीट्यूट के अकाउंटेंट ने उनसे कहा कि भाई अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है, अब अपनी बची हुई फीस जो है 280 रुपए जमा कर दो। लेकिन इत्तफाक से किसी वजह से ओमपुरी वो फीस जमा नहीं करा पाए और कोर्स खत्म करके बिना डिप्लोमा लिए हुए वो बंबई आ गए। कुछ वक्त पहले प्रकाशित ओमपुरी पर लिखी किताब में ऐसा बताया गया है कि जब 1980 में फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्हें एक चिट्ठी मिली कि फीस जमा करा दो, लेकिन ओमपुरी ने फीस देने से साफ इनकार कर दिया। इस किताब में कारण यह बताया गया है कि वो बस इंस्टीट्यूट को कुछ रुपयों का नुकसान पहुंचाना चाहते थे और इसी वजह से फिल्म इंस्टीट्यूट से आज तक अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया नहीं। मगर हमारी रिसर्च टीम ने खुद ओमपुरी से इस घटना की जानकारी ली तो सच सामने ये आया कि इंस्टीट्यूट पास करने के बाद जब वो मुंबई में संघर्ष के लिए आए और जब थोड़ा सा एस्टैब्लिश होने लगे तब वो अपने काम में इतने मसरूफ हो गए कि सर्टिफिकेट की बात उनके दिमाग से निकल गई। और जब सन 1980 में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें कहा गया था कि हम आपकी बकाया फीस का इंटरेस्ट माफ कर देंगे, आप सिर्फ 280 रुपए जमा करवा दीजिए, आपको आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ले जाइए आप, तो कुछ दिनों के बाद वो चिट्ठी ओमपुरी के घर से गायब हो गई और फिर मसरूफियात की वजह से वो भूल भी गए। उन्होंने कहा कि उन्हें आज बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट के याद दिलाने के बावजूद वहां जा नहीं सके और अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं ला सके। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।